हम लोग को पहले तो कोविड के एक एक दो दो केस आ रहे थे, चार केस आ रहे थे, इसके बाद भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1104 केस नए पॉजिटिव आए। ये एक जरूर हमारे इंदौर ज़िले के लिए चिंताजनक है कि बिल्कुल केसेस जहां तीन डिजिट दो डिजिट में आ रहे थे आज एकदम से चार डिजिट में कल से आने लग गए। तो सावधानी तो बरतना है कि चाहे वो एक केस हो चाहे 1100 केस हो, हमें सावधानी उसी तरह जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसको उसी तरह से पालन करना है। फिर भी देखिए कि आप लोग भीड़ भाड़ की जगह से जाने से मास्क लगाना का बिल्कुल कम कर दिया था, तो थोड़ा ये प्रोटोकॉल जरूर पालन कीजिए। ये डिपेंड है अपने पब्लिक के ऊपर कि आप कितनी लापरवाही या कितना प्रिकॉशन रख रहे हैं। अभी जिस तरह से दो तीन का हम ट्रेंड देख रहे हैं, दो तीन दिन के ट्रेंड से दो दो तीन तीन सौ बढ़ रहे हैं। कल चूँकि 1169 केस थे और आज 1104 केस है, तो मतलब एक स्टेबल पर आ रहे हैं। तो डिपेंड है कि आप लोग कितना क्या करेंगे। पब्लिक से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ की जगह से अननेसेसरी के जो न जाए, और मास्क को प्रॉपर वे में लगाए, मास्क और सैनिटाइज यूज़ करा करें। और जिसने भी फर्स्ट डोज या लगा लिया है वैक्सीनेशन का, तो सेकंड डोज ज़रूर लगवा लें, क्योंकि जो हम लोग पॉजिटिव केसेस हमारे आ रहे हैं, इन पॉजिटिव केस में हम जो देख रहे हैं कि उनमें मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो बट नेचुरल है कि हमारी वैक्सीन जो है वो कारगर सिद्ध हो रही है। तो वैक्सीन भी जरूर, अपना टीकाकरण जरूर लगा ले। अभी 10 तारीख से जो है हमारा प्रिकॉशनरी डोज भी चालू हो गया है कि जिनको 9 महीने या 39 सप्ताह हो गया है, जैसे हमारा हेल्थ वर्कर हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, या 60 प्लस के एज ग्रुप के हैं, तो वो भी प्लीज़ अपना प्रिकॉशनरी डोज लगा ले। चाहे कि इसको क्या है, एक बूस्टर डोज बोलते हैं भी बोल सकते हैं, तो वो हमारा डोज लगवा ले, तो ताकि ये है कि अगर कोविड के कहीं ऐसे लगता है तो हम सेफ साइड हो जाएंगे।